हेलो गाइस, आज मैं लाइव भी आया था तो वहाँ पर मैंने सारे आदमियों के क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं। फिर भी बहुत आदमी ने मुझसे ये कमेंट किया कि पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फॉर्म है वो किस तरह भरें और कैसे अच्छे से भरें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बता दूंगा, साथ में उसकी कितनी आपकी ये है या फिर किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए आपको तो वो सब सारी चीज़ें बता दूंगा। जितनी भी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा गाइस, उसकी जो मैं डायरेक्ट लिंक होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स है, कट ऑफ क्या हो सकती है और कॉलेजेस है कैसी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। सब्सक्राइब टू ट्रिक्स फ्रॉम विवेक एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। तो ओके गाइस, आप जो साइट पे देख रहे हैं तो यही है वो पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो गाइस मैं इस साइड आ जाता हूँ। हाँ, सो गाइस अभी आप उसे देख सकते हैं इस साइड पे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर जो दिखा रही है वो दिखा रही है, और जो एलिजिबिलिटी है सो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है गाइस। जो आपकी जो बहुत आदमी पूछे थे क्या मेरे पास डोमिसाइल नहीं है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, सो गाइस ये सब सभी इस वीडियो में बता दूंगा मैं। पर गाइस, वीडियो को शुरू करने के पहले क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? तो अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप किसी भी वीडियो का अपडेट पा सकते हैं, वो भी टोटली फ्री है गाइस, तो करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और गाइस साथ में अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो। तो चलिए गाइस जानते हैं इस वीडियो में, साथ में पहले जानते हैं कि ये जो पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका नाम बेसिकली रामकृष्ण महातो इंजीनियरिंग कॉलेज है। और गाइस यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी एन वेबजी 2000 जनरल, मैंने वेबजी की एग्जामिनेशन दे रखी होगी, कैंडिडेट्स की 12 की जनरल स्ट्रीम से पास किया होगा और एडुकेशन लिया होगा, और कन्वीनियंट कोई भी बोर्ड से, मतलब आईएससी सीबीएसई किसी भी बोर्ड से। कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेसिकली जो वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को चांसेस मिलेंगी, ठीक है, वो जो क्या बोलता है ये वाले डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में। और कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द टर्म्स एंड कंडीशन, सो ये आपको फुल करना होगा। प्रोविजनल एडमिशन विल बी मोड ऑन वेरीफिकेशन रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पर गाइस अगर हम देखें एडमिशन अंडर एससी एसटी ओबीसी और ओबीसी बी और एफएच कोटा, तो कैंडिडेट शैल हैव फर्निश ओरिजिनल एंड सेल्फ असिस्टेड कॉपीज और वैलिड एससी एसटी ओबीसी एंड ओबीसी, मतलब आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एससी एससी या फिर किसी भी चीज़ की ओबीसी, आपको सब कुछ एक ही बार में सबमिशन देना है। ओके गाइस, सबको एक ही बार में आपको सबमिशन देना है। इसका कारण ये है गाइस कि आप जैसे भी आपके एडमिशन मैंने देखते हैं और कट ऑफ मैच वैच कर जाता है तो दो दिन के अंदर आपको बोलेंगे एडमिशन करा लेने, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, तो ये आपके काफ़ी सुविधा होगी। तो गाइस जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी होंगी वो है आपकी रैंक कार्ड 2019 की जो वेबजी रैंक कार्ड है उसको लेके जाइएगा आप, और फिर आपको ड्यूली फिल्ड एडमिशन फॉर्म डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग 2019 अवेलेबल, वो जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म भी मैं इस वीडियो पे बता दूंगा कहाँ है। एडमिट कार्ड ऑफ वेबजी जो है इट्स कॉपी, उसकी वेबजी के एडमिट कार्ड की कॉपी वो जो अपने मिल चुका था पहले, जो कन्फर्मेशन पेज या फिर सबके एडमिट कार्ड भी मिली थी, और रिलीवेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और ये भी दोनों लेकर जाना होगा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल इफ इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, एंड आपकी जो परफॉर्मा दी गई थी उसके ऊपर से, और एडमिट कार्ड मार्कशीट लेके जाना होगा आपको, सर्टिफिकेट माध्यमिक का क्लास 10 का एडमिट कार्ड, और आपको सब कुछ सर्टिफिकेट जो आपकी नंबर सूटी थी वो ये सब आपको लेकर जाना होगा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा, मार्कशीट ऑफ एचएस एग्जामिनेशन लेना होगा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको, जैसे कि एडमिशन करने के बाद ही आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब जनरल फिजिशियन से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, साथ में आपको देना पड़ेगा आपकी आई टेस्ट आपने करवाई थी वो भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और ये सब, आपको आई सर्जन लगेगा, ऑप्टिमिस्टिक से ये काम नहीं बनेगा। ओके गाइस, आप समझ लीजिए, पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड पैन कार्ड और ये भी अगर आपके पास हो तो एनी एक भी एक ले जाइए, आधार कार्ड मैक्सिमम बच्चे ले जाते हैं तो आप ले जाइए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, अब देखिए कुछ नोट्स आपको दे रखी हैं, काउंसलिंग एडमिशन विल बी मेड कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू वेबजी जनरल रैंक, ओके जनरल रैंक जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी, और आपकी जो कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली आफ्टर वेरीफिकेशन द डॉक्यूमेंट शी और मे हैव बीन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंट सीट एट दैट पॉइंट। सो गाइस जो एडमिशन आपकी होगी वो बेसिकली आपकी जो वैकेंट सीट बची है उसके अकॉर्डिंगली होगी, वैकेंट सीट्स भी आपको बता देंगे किसका कितने वैकेंट सीट्स है किस ब्रांचेस में,
सो कैंडिडेट मस्ट अपियर अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चूक हो जाती है तो गाइज आप नहीं जा सकते, मतलब आपको पूरी की पूरी लेके जानी होगी. साइड में आपको सब कुछ दिख रहा होगा, इस साइड या इस साइड में. और साथ में द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन आर गाइज, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं तो भी आप अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको अपग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वापस से जाने होंगे कॉलेज में और आप अपग्रेड करवा सकते हैं. हेलो गाइज, मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना भूल गया था और वीडियो को कट करके फिर से एडिट किया गया है, तो उस पर मैंने ये मेंशन किया है कि ये जो डेट्स है वो है 31 जुलाई को ये काउंसलिंग होगी, द सेम डेट. एंड गाइज आपको ये तारीख पे ही जाना होगा कॉलेज के पहले. और गाइज इस पे जाके कॉलेज के ऊपर फ़ोन लगा लीजिए और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए, ओके. ये वीडियो के बीचों बीच आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो आई फॉरगॉट अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू. काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी क्लोज एज सून एज द वैकेंट सीट्स आर फिल्ड अप. तो काउंसलिंग बंद हो जाएगी जैसे वैकेंट सीट फिल हो जाती है, ओके. और यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स जो पहले ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं आर वॉन्टेड टू अपग्रेड देयर ब्रांच इन स्ट्रीम कैन ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. और उसके बाद मनी रिसीव्ड ऑब्टेन ड्यूरिंग द एडमिशन और फर्स्ट ईयर 2000 बैलेंस अमाउंट फॉर स्ट्रीम चेंज इन कैश और डिपॉजिट इफ कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट ड्यूरिंग डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग. जो भी पेमेंट है आपको ड्राफ्ट में करना होगा रामकृष्ण महातो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे और पेएबल एट पुरुलिया, जैसे कि कोलकाता के कॉलेज में आपको पेएबल एट कोलकाता करना पड़ता है. सो ऑल द पेमेंट्स रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग मेड अर्लियर बाय कैश डिमांड ड्राफ्ट, ओके. ये सब आपको करना पड़ेगा गाइज. ये हमारी जो थी यहाँ पर निकल चुकी है. अब इसके आपके बाद आपको जाना होगा जो आपके सीट्स के ऊपर है. तो ये गाइज आपके साइड पे फोटो दिखता होगा तो आप इसे समझ जाइए. तो इंजीनियरिंग में आपकी जो जनरल सीट्स है 9 है, टोटल लेकर 13 सीट्स आपकी होगी, ठीक है, समझ लीजिएगा. साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 8 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 12 सीट्स हैं, आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 12 सीट्स है और आपकी मैकेनिकल इंजीनियर में 12 सीट है, जिससे टोटल करके आप बात करें तो 57 सीट्स है. और चलिए लास्ट में हम बात करते हैं कट ऑफ्स कितनी तक जा सकती है. तो गाइस जितने की कट ऑफ आपको पहले मैंने बता चुका हूँ और गाइस जितने भी कट ऑफ रह चुके हैं अराउंड 3 तक, उससे सोचिए कि 2000-3000 नीचे ऊपर हो सकता है. और जहाँ तक बात रही एक एडवांटेज की, तो इस कॉलेज में तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और गाइस आपको कम रैंक है आपकी, तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भर दीजिए और साथ में सिविल में भर दीजिएगा, ठीक है. तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में इन ब्रांचेज में मिल जाए. और जैसे कि इन ब्रांचेज में आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको वेट करना है, ओके गाइस. आपको वेट करना है. अब इन कॉलेज में आपको ये ब्रांचेज मिल गए तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा और नेक्स्ट डे ट्राई कीजिएगा अपग्रेड करने का. अगर आपका रैंक बहुत ही लो मैंने हाई आ गया है, मतलब बहुत नीचे आ गया, तो अगर आपको ऊपर वाली कुछ रैंकेज हैं तो प्लीज़ इस कॉलेज में आप ट्राई कीजिए. और मेरा काम है आपको अपडेट करना, तो गाइस मैंने आपको अपडेट कर दिया है. तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मुझे काफ़ी खुशी होगी. और गाइज अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं एंड बोथ द थिंग्स आर टोटली फ्री. तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज़ करो. टोटली फ्री वाली चीज़ों पर भी आपको इतनी प्रॉब्लम होती है गाइज. मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी आ सकता हूँ एक सप्ताह बाद, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी रिलेटेड हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके आंसर दे सकूँ. और अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे क्वेश्चन सीरियस करते हैं तो मैं श्योरली आपकी आंसर्स करूँगा. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय. और आपको कोई भी चीज़ की रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मिलेगी. और एक वीडियो आ रही है ये ECE वर्सेस CSE, मेरी 2K स्पेशल वीडियो होगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय. सब्सक्राइब टू ट्रिक्स ऑफ विवेक एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स.